अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गोले और खोए के लड्डू, जो बहुत इजीली बन जाते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें डालनी हैं और जो गोले के या नारियल के फैन हैं उनको बहुत पसंद आने वाले हैं। अब देखिए, मैं दिखाती हूँ उसका सामान। मैंने ये 250 ग्राम खोया लिया है, ये मैंने मार्केट से मंगाया है। अगर आप घर में खोया मतलब भून सकते हैं तो वो और भी अच्छे बनेंगे। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मुझे मार्केट से मंगाना पड़ा। वैसे ये फ्रेश है बिल्कुल। और ये लिया है मैंने आधा गोला नारियल, और इसको इस तरह से लंबा लंबा कट कर लेना है बिल्कुल। ये जो ग्रेटर होता है हमारा, कद्दूकस जिसे बोलते हैं, ये इसका जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन होता है ना, मैंने इसमें इसको घिस लिया है। और अब हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, यहाँ मैं फ्राई पैन में अपने सबसे पहले डालूंगी देसी घी, थोड़ा सा गोला फ्राई करने के लिए। बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, और ये हमारा होममेड है। हम कोशिश करते हैं कि घर की ही चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, और हम इसके अंदर डाल देंगे अपना ये गोला। फ्लेम एकदम से डार्क कलर ले लेता है, बस हमें इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है, और इसके अंदर इसे जो फ्लेवर है वो भी निकल कर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे लाइट गोल्डन बिल्कुल फ्राई कर लेना है। देखिए, हमारा इस गोले के अंदर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। मुझे इसमें 2 से 3 मिनट लगे हैं, और फ्लेम बिल्कुल मैंने लो रखी थी। हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें एकदम से ऊपर से कलर तो आ जाएगा लेकिन ये अंदर से भुन नहीं पाएगा। बस हमें इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना है, और ये मतलब ये नहीं कि सारे ही हमें भुनने हैं। बस इसके अंदर फ्लेवर लाना था और हल्का सा क्रंच लाना था। मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी अपनी प्लेट के अंदर। और इसमें डालूंगी बहुत थोड़ा सा देसी घी, और अब डालूंगी मैं अपना जो ये खोया है वो इसके अंदर। देखिए, ये भुना हुआ तो होता है लेकिन हमें थोड़ा सा और इसको भुनना है, क्योंकि मार्केट से जो आता है उसको आप चाहे शीर वगैरह के अंदर भी डाल रहे हैं ना, तो खोया जो मार्केट से आता है उसको ज़रूर भून लें, इसे लंबे टाइम तक चलता है ये। अभी हम इसको मेल्ट होने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारा जो खोया है वो घुल चुका है। बस बहुत ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये 1 कप मैंने चीनी ली है, ये पूरी इसके अंदर जाएगी क्योंकि इसी की हमें चाशनी बनानी है। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1/2 कप पानी। अब हम इसको हल्की सी फ्लेम अपनी तेज़ कर देते हैं, और इसके साथ इसे भूनेंगे जब तक ये चीनी जो है पूरी तरह से घुल के इसके अंदर मिक्स ना हो जाए। मतलब इसको बिल्कुल अपने अंदर इसका सारा पानी चीनी बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर देनी है इसके अंदर। देखिए, हमारा जो खोया है और चीनी भी हमारी 50% लगभग इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है, पूरी नहीं हुई है। अब हम बस यहीं पर अपना घी जो है गोला हमने फ्राई किया था ये इसके अंदर डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करने थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर। अब बस हम इन चीज़ों को एक साथ पकाना है, हल्की आंच कर दें, लो फ्लेम पे पकाना है, तेज़ी नहीं करनी है। और जब ये तैयार हो जाएगा तो इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तब तक हमें इसे भूनना है जब तक इसका ऑयल जो है सेपरेट नहीं हो जाता और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी लड्डू बनाने लायक नहीं है। हमें इसके लड्डू बनाने हैं तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे, और हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी लड्डू बनाने के लिए रेडी नहीं है। अच्छा, चाहे तो आप इसके अंदर जो आपका दिल चाह रहा हो वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर लें। लेकिन ये नारियल और खोए के लड्डू हैं
और ये इसी तरह से आते हैं, बनते भी इसी तरह से हैं, वो आपकी मर्जी है। हम इनको ऐसे ही बनाते हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। अगर ज़्यादा हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे तो वो फिर ड्राई फ्रूट जैसे लड्डू हो जाते हैं, इसलिए हम इनको ऐसे ही बनाते हैं। अभी भुनना शुरू हो गया है, अभी हम इसको थोड़ा और पकाएंगे। ये देखिए, अब हमारा जो ये बैटर है, ये हमारा जो नारियल है, चीनी है, ये इसके अंदर आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ बता दें, हमारा जो गोला था नारियल बहुत बड़े साइज़ का था, इसलिए वो आधा जो है काफ़ी रहा। अगर आपका नारियल जो है छोटा है तो आप पूरा ऐड कर दें, 250 ग्राम के अंदर 250 ग्राम का ही एक गोला ले लें, वो बिल्कुल ठीक बैठेगा इसके अंदर। अब ये देखिए, हमारा जो ये है सूख चुका है और ये हमारा जो है लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है इस वक्त। अब हम अपना जो फ्लेम तेज़ी बिल्कुल नहीं करनी है, अब हम इसको ठंडा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने इसे प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसको इतना ठंडा करूँगी कि हम हाथ से मतलब इसके लड्डू बना सके। अभी बहुत गर्म है, अभी हम इसको हाथ नहीं लगा पाएंगे। ठंडा होने पर हम इसके सिंपली जो लड्डू आते हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े, जैसे आपको पसंद आए वैसे इसको बना लीजिएगा। ये देखिए, ये अब इतना ठंडा हो गया है कि हम इसको हाथ लगा सकें, और अब हम इसका ना ऐसे पकड़ के लड्डू बनाएंगे। बहुत आसानी से बन जाते हैं, घबराना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। ये देखिए, हम इन लड्डुओं को एक हफ्ते आप बिना फ्रिज के भी रखेंगे ना, ये तब भी ख़राब नहीं होते हैं। और मेरी मानिए तो बिना फ्रिज के ही रखिए, क्योंकि फ्रिज में रखने से ये थोड़े से टाइट टाइट से अजीब सा, जब बिना फ्रिज के रहते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। ये देखिए, कितना प्यारा लड्डू हमारा बना है। फ्लेवर बहुत दूर तक इसकी खुशबू उड़ रही है घर में, हमने जो नारियल भुना था। बहुत टेस्टी हमारे जो लड्डू हैं ये बने हैं, मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं। अब मैं इसको कंप्लीट करूंगी, सारे लड्डू बना लूंगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट में प्लीज़ बताया करें कि मैं किस तरह की रेसिपी बनाती हूँ और आपको खाने में कैसी लगती हैं। अभी मैं आपको सारे ये लड्डू बना के ना आपको दिखाती हूँ कितने लड्डू तैयार हुए हैं। ये देखिए, 250 ग्राम खोया और 250 ग्राम जो नारियल था हमारे, उसके साथ में कितने सारे लड्डू ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत शानदार बनते हैं, बहुत मज़ेदार जायकेदार होते हैं। ये देखिए, हमारे जो लड्डू हैं वो रेडी हैं। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसे बने हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।